मेडिटेशन में उतरते चले आना, अपने जागे में, अपनी होश में, अपनी सुरती में लौटते चले आना। तुम बाहर की दोनों पलके मूंदते ही बाहर की आंखों से थोड़ा सा छुट्टी ले लेना, थोड़ा अवकाश ले लेना, और भीतर की आंख में तीसरे नेत्र में उतर जाना, अर्थात तुम देखने वाले हो जाना बाहर से भीतर की ओर। तुम जागे जागे देखते रहना, प्रैक्टिकली ध्यान की धारा में उतरना। ध्यान का प्रवचन नहीं होता, ध्यान का प्रचार नहीं होता, ध्यान पे कोई बड़े बड़े इंटरप्रिटेशन व्याख्याएं की जरूरत नहीं। ध्यान हम सबका स्वभाव है, अंतस ध्यान, अपने भीतर की सुरति, अपने भीतर का ध्यान, अपनी स्मृति हमारा स्वभाव है। उसमें उतरना कोई कठिन नहीं, तनिक मात्र भी कठिन नहीं। अपनी ओर जागे जागे मुड़ जाना और वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है, अपने आप दिखाई दे रहा है, उसी को देखते चले जाना जो तेरे समक्ष, तेरे सामने भीतर की स्क्रीन पर उतर रहा है। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, तुम लगातार देखते चले जाना। इस मॉन्की लाइक माइंड को अच्छी तरह देख लेना, अच्छी तरह इसको समझ लेना। इसको समझाना नहीं, तुम इसके स्वभाव को समझते चले जाना। बहुत शांत, मौन, मुदित भाव में जाके जाके अपने भीतर की राह लेना। इस संगीतमय वाइब्रेशन में डूबते चले जाना। मेडिटेशन इज नॉट ए बुकिश, इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, इट इज नॉट बुकिश। ये किताबों से नहीं मिलेगा, संगति से मिलेगा, सानिध्य में बैठ के मिलेगा, वाइब्रेशन के आलम में मिलेगा। ये पॉजिटिव तरंगों, लहरों में, अल्फा वेव्स में मिलेगा। लगातार भीतर की ओर जागी रहना, देखते चले जाना जो जो तेरे सामने से गुजर रहा है। पकड़ना नहीं, किसी विचार में इंडल्ज नहीं होना, खो नहीं जाना, किसी विचार को पकड़ना नहीं, किसी विचार के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, किसी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, किसी विचार के साथ कोई तादात्म्य नहीं रखना, कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना। मन की तमाम उठती हुई लहरों तरंगों को, विचारों की तमाम लहरों तरंगों को देखते रहना, जागे जागे देखते रहना भीतर की गति को, निरंतर देखते रहना, जागे जागे, पल पल जागे रहना। मन कल में जाता है तो मत जाना, अगर चले जाते हो तो वापस लौटना। तुम भीतर रहना, आज में, अब में, अभी में रहना, अपने घर में रहना। विचारों की गति को देखते रहना, अच्छे हैं, बुरे हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तुम सबको देखते रहना, सबसे हटकर के सबको देखना। तुम मन को देखने वाले हो, तुम मन नहीं हो, मन से हटकर के मन की गति को देखना। ये तेरी शूरवीरता है, साहस है, हिम्मत है, बहादुरी है। बड़े बड़े सिकंदर हार जाते हैं मन के सामने, एक दीवाने प्यासे प्रभु की डट के बैठते हैं मन के सामने, मन के सामने पूरी रेजिस्टेंस रखते हैं, मन के आगे झुकने वाले नहीं है,
मन कितना भी हमला करे, कितनी आक्रामक स्थितियों में उतरे, कितना भी तुझको लूटने की कोशिश करे, तेरे ध्यान को तोड़ने की कोशिश करे, तुम निराश ना होना। ये मन का स्वभाव है। मन नहीं चाहता तुम भीतर प्रवेश करो, मन नहीं चाहता तुम उसके मास्टर बनो, मन नहीं चाहता तुम अपने स्वभाव में लौटो, वरना सारा खेल माइंड का, सारी पॉलिटिक्स माइंड की खराब होती है। अगर तूने माइंड की ओर जरा सा ध्यान लगाया, जरा सा ध्यान उसके ऊपर उड़ेला, वो बेचैन हो जाता है। सारा अहंकार अभिमान माइंड का खंडित होने लगता है, वो घबराहट में भागता है, वो बेचैन होता है, वो बिखरता है, वो भयभीत होता है। परंतु ये सब स्वभाव माइंड के हैं, तो मत अपना समझना, कोई स्थिति अपनी मत समझना। तुम देखने वाले हो, आज थोड़ा सा मन से हटकर की देख ही लेना मन की गति को, हैरान रह जाओगे कि कितना गैर जरूरी कचरा हमने इकट्ठा किया है, कितना मलमल कचरा ढेर का इकट्ठा किया विचारों का, कितना बोझ लादे फिरते हैं हम अपने आप पे अननेसेसरी, और मनोरोगी होके जी रहा है। ये बाहर से किसी ने नहीं दिया, तूने खुद इकट्ठा किया। अब उसको देखने की भी ताकत रखना, वो सब तेरे सामने आएगा। उन सब को देखने वाले हो जाना, होशियार हो जाना। जैसे बाहर की दुनिया में बड़े होशियार, बड़े चालाक, बड़े चतुर, थोड़ी होशियारी भीतर भी कर लेना, किंतु चतुराई नहीं चलेगी। होशियार रहना, होशपूर्ण रहना, लगातार देखते रहना भीतर को, भले अंधेरा हो अंधेरों को ही देखते रहना। ये देखना तेरी एकमात्र कमाई है, ये देखना लगातार रही। बातों में जाए ना उमरिया, बातों ही बातों में जाए ना उमरी, इन छोटी छोटी बातों में, क्षुद्र क्षुद्र बातों में जाए ना उमरिया, बातों ही बातों में जाए ना उमरिया। बालापन खेलन में खोयो, यो बहुत नादानी हमने, बालापन खेलन में खोयो, यो बहुत नादानी, होश रहा हमें कुछ भी नहीं जब आई हम पे जवानी, होश रहा मुझे कुछ भी नहीं जब आई मुझ पे जवानी, बीत गयो I'm
बचपन बातों ही बातों में धीरे उमरिया बातों ही बातों में धीरे उमरिया तनी मुश्किल से मिला है शास्त्रों ने फरमाया मानुष तनी मुश्किल से मिला है संतों ने फरमाया मानुष तनी मुश्किल से मिला है सदगुरुओं ने फरमाया मैंने ये अनमोल खजाना मन के हाथों लुटाया मैंने ये अनमोल खजाना मन के हाथों लुटाया जाने बूझी कर जाने बूझी करी अब ना लुटाऊ जाने बूझी करी अब ना गवाऊ अपना ये अनमोल धन बातों ही बातों में अब जाए ना उमरिया बातों ही बातों में जाए ना उमरिया इन छोटी छोटी बातों में जाए ना उमरिया इस नेगेटिविटी की बातों में जाए ना उमरिया के नीचे बैठ करके आम गिनना नहीं आम ही नहीं गिनते रहना गिनने से मजा नहीं आएगा आनंद नहीं आएगा तो हम आम के पेड़ के नीचे बैठ के आम चूस लेना आम खा लेना आम का टेस्ट ले लेना चारों तरफ दुनिया भर का तूने ठेका ले रखा है फला की नेगेटिविटी फला की कमजोरियां कमियां बुराइयां गिनता ही रहता है 24 घंटे दूसरों को निहारता रहता सारी उम्र तेरी दूसरों को निहारते गुजर जाती दूसरों की कमियां कमजोरियां उसको पूरी तरह सुधारने में लगा हुआ अपनी कमी कमजोरी सुधरती नहीं और दूसरों को सुधारने में लगा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिडीम योर सेल्फ देन ट्राई टू रिडीम अदर्स पहले अपना छुटकारा पा लें इस मन की तमाम नेगेटिविटी से अपना छुटकारा पा लेना ये तेरी बहादुरी है सिप्पा सलारपन है यही तेरी एकमात्र शूरवीरता है तो अपनी नेगेटिविटी से छुटकारा पा ले अपने पे कृपा कर अपने पे दया कर अपने पे करुणा कर अपने भीतर का दर्पण देख अपना दर्पण देख अपना भीतर देख अपने भीतर झांक फिर तो कभी किसी को काटेगा नहीं बाहर ख्याल रखना अगर तुम्हें चारों तरफ नेगेटिविटी बुराई ही बुराई दिखाई देती है तो उसको दूर करने की तमाम अच्छाई अपने भीतर शिखर की तरह बना करके आ फिर जाने के तेरे द्वार से कुछ दूसरे को मंगलमय कल्याणमय दिशा मिल रही है
तू अपना कदम उठा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में उतर, अपने आप को इम्प्रूव कर, अपने आप को अच्छा सुच्चा सच्चा बना। वो तभी होगा ना जब तेरे भीतर भी कुछ आग होगी, अग्नि होगी, इश्क की, आशिकी की, कुछ कर दिखाने की। अगर देश के दीवाने पीछे मुड़ करके नहीं देखते तो प्रभु के दीवाने भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। सच्चाई के दीवाने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा करते। वो पतंगे परवाने जगमगाती क्षमा पे कुर्बान होने के लिए जब जाते हैं तो मक्खियां मच्छरों के हाथ अपना कान नहीं देते। मक्खियां आती हैं क्षमा पे चारों ओर प्रदक्षिणा करके आती हैं और वो लौट आती हैं। वो क्षमा जगमगाती उसके पास होकर के आ जाती हैं और कहती हैं, पतंगों परवानों आ रहे हैं, क्षमा जली है और तुम चुपचाप बैठ रहे हो। वो कहते हैं, हमें चुपचाप मत देखना, हम चुपचाप नहीं हैं, हम कुर्बानी की दौर में उतरे हैं। क्षमा जली है तो पतंगे परवाने कहते हैं फिर हमें रोकने वाला नहीं। किंतु अफसोस तो इस बात का है मक्खियों, तुम क्षमा जलती हुई क्षमा पे चारों ओर चक्कर लगा करके वापस आ गई, तुम वापस आ गई। अरे मच्छरों मक्खियों, तुम क्षमा पे कुर्बान क्यों नहीं हुआ है? उससे बढ़कर के क्या है? उस पे कुर्बानी, उस पे कुर्बान होने के अलावा इस संसार में है ही क्या? देखना, हम जाएंगे और वापस नहीं लौटेंगे, हम स्वयं क्षमा हो जाएंगे, हम स्वयं उस पे कुर्बान होकर के स्वयं प्रकाश रूप हो जाएंगे, सदा सदा के लिए यूनिक एग्जाम्पल हो जाएंगे सारे के सारे मानव जाति के लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए हम यूनिक एग्जाम्पल हो जाएंगे कि अगर कुर्बानी का रूप हो तो पतंगे परवानों जैसा हो, क्षमा जलती हो और फिर वो चैन रहे हैं, फिर वो चैन से बैठे कभी हो नहीं सकता। जब वो चलते हैं तो चारों तरफ कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। धन्य धन्य है वो जीवन जब फिर लौटते नहीं, जब तक वो शिखर मिल ना जाए मालिक का, प्रभु का, वो मिट जाते हैं। किंतु किसी दाएं बाएं के हाथ नहीं लगते, मालिक के लिए कुर्बान हो जाता है। बहुत सुंदर कहा हनुमंत लाल जी ने, भगवान राम के चरणों में सारा जीवन दे दिया ब्रह्मचारी के रूप में। उस सेवक ने क्या स्वामी को रिझाया कि आज गली गली बाजार बाजार हनुमंत लाल जी की पूजा होती है। कभी सोचा भी नहीं कि ये तो गृहस्थी, भगवान राम तो गृहस्थी हैं, भगवान राम तो शादीशुदा है, भगवान राम तो राज सिंहासन पर बैठा है और मैं त्यागी वीर, त्याग का स्वरूप, मैं एक महान त्याग वीर, सब ओर से त्याग करके उतरा हुआ ब्रह्मचारी, मैं इसकी सेवा में लगू। कभी भी तेरा अभिमान त्याग का नहीं आया। प्रभु राम के चरणों में दिन रात पड़ा, सब उपहार लिए जा रहे हैं किंतु उपहार हनुमंत लाल जी को नहीं मिला। हाँ, भगवान राम ने कहा तू भी कोई उपहार ले ले, कोई गिफ्ट ले ले। नहीं, मां सीता ने इतना सुंदर अनमोल हीरो का, अद्भुत अद्वितीय अनमोल हीरो का हार अपने गले से उतार करके अपने सेवक हनुमंत लाल जी के गले में डाल दिया। तेरे को उपहार भगवान राम ने नहीं दिया, मैं देती हूं मां, ये उपहार क्या करेगा, ये अनमोल हीरे क्या करेंगे मेरे लिए जिनमें राम का नाम ही नहीं है, ये क्या करेंगे, ये मेरे किस काम के हैं? आप जानते हैं भगवान राम पहुंचे तो कहने लगी सीते, ये उपहार नहीं लेता, इसने मुझको चाहा है और मैंने इसको अपना आप दे दिया है। बाकी सब ने मुझसे चाहा है, इसने मुझको चाहा, मुझसे चाहने वाले विदा हो गए उपहार लेकर के, और ये मुझको चाहने वाला सदा के लिए रुक गया हमारी सेवा के लिए। इसने मुझको चाहा, इसलिए इसके रोम रोम में जरे जरे में मैं स्वयं विराजमान हूं, मैं इसका हो गया जिसने मुझको चाहा।
एक दिन अपने भीतर बैठे प्रभु राम को क्या गजब कहा। गीत सुनाते हैं हनुमंत लाल जी, महान संगीतकार हैं, जहां वो महान सेवक हैं, योद्धा हैं, महान विद्वान हैं, वहां महान संगीतकार संगीतज्ञ भी हैं। वो अपने प्रभु राम को क्या कहते हैं, क्या गजब सुनाते हैं संगीत। राम मेरे घर का किराया भर दो। हनुमान तेरा घर कहां से आ गया, तेरा तो घर ही नहीं, तेरा तो घर प्रभु के चरण है। नहीं, मेरे भीतर बैठे प्रभु राम आंख मूंद करके भीतर अपने प्रभु को प्रकट करके कहता है, राम मेरे घर का किराया भर दो, राम मेरे घर का किराया भर दो, राम मेरे घर का किराया, 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 राम मेरे घर का किराया भर दो, घर का किराया भर दो, घर का किराया भर दो, घर का किराया भर दो। यह प्रेम अनन्य भाव, अनन्य प्रेम, मालकियत बनता है, परमात्मा का भी मालिक हो जाता है प्रेम, प्रेम सच्चा प्रेम, वह प्रभु के ऊपर भी पूरा पूरा अधिकारी हो जाता है, प्रभु उसके हो जाते हैं जो उससे प्रेम करता है। राम मेरे घर का किराया भर दो, राम मेरे घर का किराया, राम मेरे घर का किराया भर दो, घर का किराया भर दो, घर का किराया भर दो। घर में बैठ रही क्या बाबा का घर जानकी, बाबा का घर जानकी, मेरे घर में बैठ रही क्या दशरथ का घर जानकी, दशरथ का घर जानकी, आज तलक कुछ कहा नहीं है बड़ा आपको मानकी, बड़ा आपको मानकी, आज तलक कुछ कहा नहीं है बड़ा आपको मान की, बड़ा आपको मान की, आज हुआ मजबूर बहुत मैं कर्ज अदा सब कर दो, आज हुआ मजबूर बहुत मैं कर्ज अदा सब कर दो, राम मेरे घर का किराया भर दो, राम मेरे घर का किराया भर दो, प्रभु जी मेरे घर का किराया भर दो, राम मेरे घर का किराया भर दो, प्रभु जी मेरे घर का किराया भर दो, प्रभु जी मेरे घर का किराया भर दो, घर का किराया भर दो, हरे का किराया भर दो। क्या गजब प्रेम मोहब्बत अतिथि का नगमा है। बहुत मजाक से कहा, दीवानी
हनुमंत लाल, अगर ना दूं तो क्या कर लेगा? तेरे घर में, तेरे दिल में, तेरे हृदय में 24 घंटे मैं विराजमान। तूने खुद मुझे बिठाया, खुद तूने मुझे हृदय की शैया पर विराजमान किया, और आज तू किराया मांगता है। अगर ना दूं तो हनुमंत लाल जी बहुत विनम्रता सरलता पूर्वक दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, नाचते हुए गाते हुए कहते हैं, सीता जी की लगी कचहरी, मासिया जी की लगी कचहरी, वहां तुम्हें ले जाऊंगा, वहां तुम्हें ले जाऊंगा। सीता जी की लगी कचहरी, वहां तुम्हें ले जाऊंगा, वहां तुम्हें ले जाऊंगा। दया तुम्हारी का ये खजाना, सारा कुर्क कराऊंगा, सारा कुर्क कराऊंगा। भला इसी में नाम तुम्हारा, कर्जे अदा सब कर दो। भला इसी में राम तुम्हारा, कर्जे अदा सब कर दो। कर दो मेरे घर का किराया, कर दो राम मेरे घर का किराया, कर दो बाबू जी मेरे घर का किराया, कर दो घर का किराया भर दो, घर का किराया भर दो। रूप में तुझे चाहिए, तुझे कैसा किराया चाहिए, किस रूप में चाहिए, मैं अदा कर दूंगा। प्रभु रीच गए और चरण पकड़ करके हनुमंत लाल जी ने कहा, हीरे मोती मैं ना मांगू, मांगो प्रेम तुम्हारा, मांगो प्रेम तुम्हारा। हीरे मोती मैं ना मांगू, मांगो प्रेम तुम्हारा, मांगो प्रेम तुम्हारा। दया धर्म संतोष मुझे दो, यही किराया प्यारा, यही किराया प्यारा। दया धर्म संतोष मुझे दो, यही किराया प्यारा, यही किराया प्यारा। नाथ पाम की छाम बिठा कर निर्भय जग से कर दो, नाथ पाव की छाव बिठा कर निर्भय जग से कर दो। कर दो मेरे घर का किराया, राम मेरे घर का किराया, प्रभु जी मेरे घर का किराया, घर का किराया।